गाइज, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो मेरी तरह आपका भी मूवीज को एक्सपीरियंस करने का लेवल काफी ऊपर जा चुका है। और ये चीज आपको अच्छे से मालूम है कि हमारा चैनल ओनली फॉर साउथ मूवीज के लिए बना है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 6 बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाले हैं। और इन सब का लेवल दुगुना तब हो जाता है जब कोई अदर लैंग्वेज की मूवी मिले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में। तो इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है। और वीडियो में हम हर मूवी को 1 मिनट या उससे कम टाइम के अंदर अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सी मूवी आपके टाइप की है और कौन सी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिस्ट के नंबर 1 पर आती है नादुनिशी नाईगल मूवी। और ये 2011 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 78% लाइक किया। मूवी में आपको वीरा बहू, समीरा रेड्डी, अश्विन और समानता अकिनेनी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो कहानी में समर चाइल्ड एब्यूज का विक्टिम बनता है जिसको एक महिला द्वारा बचाया जाता है, लेकिन उसका क्रूर अतीत उसे सेक्स के प्रति साइको में बदल देता है, जिसके बाद वो सुंदर लड़कियों को किडनैप करता है, फिर उनका रेप करता है और जिसके बाद क्रूर तरीके से उन्हें मार देता है। अब दोस्तों, आगे क्या क्या होगा और वो साइको कैसे पकड़ा जाएगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफी अच्छी है और अगर आप साइको थ्रिलर मूवीज में इंटरेस्ट रखते हो तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। फिलहाल ये मूवी आपको सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगी ऑन हॉटस्टार। लिस्ट के नंबर 2 पर एक मूवी नहीं बल्कि एक वेबसीरीज आती है जिसका नाम है कन्नामुच्ची। और ये 2020 की एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली। इस सीरीज में आपको पूर्णा, विवेक प्रसन्ना और अजमत खान जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें सीरीज के प्लॉट के बारे में, तो सीरीज में प्रिया अपनी गूंगी बहरी बेटी आईसू के साथ चेन्नई के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है और 20 साल पहले इसी अपार्टमेंट के उसी घर में एक परिवार के सभी लोगों की बहरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहां शिफ्ट होने के बाद एक दिन उसकी बेटी आईसू गायब हो जाती है और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए प्रिया को सालों पहले हुई उस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाना होगा। अब दोस्तों, सालों पहले उस घर के सभी लोगों का मर्डर किसने किया और क्या प्रिया इस मिस्ट्री को सुलझा पाने में कामयाब होगी, जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज में आपको मिस्ट्री, सस्पेंस और साइकोलॉजी सब देखने को मिल जाएगी और ये सीरीज अवेलेबल है ऑन G5 ऐप। लिस्ट के नंबर 3 पर आती है मुंबई पुलिस मूवी। और ये 2013 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 94% लाइक किया। मूवी में आपको पृथ्वीराज सुकुमारन, रहमान और अपर्णा नायर जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो कहानी में SCP एंथनी अपने दोस्त के हत्यारे का पता लगाने में कामयाब हो जाता है और जब वो इसके बारे में अपने दोस्त को बता ही रहा होता है कि इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपनी याददाश्त खो बैठता है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई को ट्रैक करने की हर संभव कोशिश करता है। अब दोस्तों, उसके दोस्त का हत्यारा कौन था और एंथनी अपनी याददाश्त खोने के बाद भी उस तक कैसे पहुंचता है, मूवी में ये सब जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और मूवी के बैकएंड में एक मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि इसके क्लाइमैक्स में ही एक्सपोज होती है। अगर आपने इस मूवी को देखने का मन बना लिया है तो मूवी आपको देखने को मिल जाएगी ऑन हॉटस्टार। लिस्ट के नंबर 4 पर आती है अजीब दास्तान मूवी। और ये 2021 की एक एंथोलॉजी ड्रामा मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 83% लाइक किया। मूवी में आपको फातिमा सना शेख, जयदीप, नसरुद बरूचा और अदिति राव हैदरी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी में 4 छोट कहानियाँ देखने को मिलती है। पहली कहानी बबलू और लिपाक्षी के रिश्ते पर फोकस डालती है जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया लेकिन उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। दूसरी कहानी घर घर जाकर काम करने वाली मिनल पर बेस है जो जिस घर में काम करती है उनके बच्चे को कोई कुकर में डालकर मार डालता है। तीसरी कहानी भारती की लाइफ पर बेस है जिसको दलित कास्ट की होने की वजह से एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी नहीं मिल पाती। और चौथी और लास्ट कहानी एक कपल पर बेस है जो अपनी बेटी के लिए प्यार जताने के लिए मुँह जुबानी बात नहीं करते, वो सिर्फ इशारों में ही बात करते हैं। अब गाइज, इन 4 शॉर्ट कहानियों की रियल स्टोरी क्या है और आगे क्या क्या होगा, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है जो इसी वर्ष रिलीज हुई थी ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया। लिस्ट के नंबर 5 पर आती है द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी। और ये 2021 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 4.4 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 53% लाइक किया। मूवी में आपको प्रणीति चोपड़ा, अदिति राव हैदरी और कृतिक कुल्हारी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो कहानी में मीरा एमनीशिया नाम की बीमारी से पीड़ित है
जिसके कारण उसे खुद के साथ होने वाली घटनाएं याद नहीं रहती। इसी बीच एक दिन जंगल में एक महिला की हत्या हो जाती है और जब पुलिस इसकी जांच करती है तो उन्हें हत्या की जगह से मीरा के होने के सबूत मिलते हैं। अब दोस्तों, उस महिला का जंगल के बीच मर्डर कौन करता है और क्या मीरा अपने आप को इस केस से बचाने के लिए इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा पाने में कामयाब होगी, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी में काफी सारे टर्न एंड ट्विस्ट है और साथ ही एक अनसोल्व मर्डर की इन्वेस्टिगेशन। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। लिस्ट के नंबर 6 पर एक शॉर्ट फिल्म आती है जिसका नाम है इराचेरा और इसका मतलब होता है लाल साड़ी। और ये 2020 में आई तेलुगु भाषा की एक शॉर्ट थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली। मूवी में आपको मनोज मुथियम और सोनाक्षी वर्मा जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसको कुछ गुंडे नेकड़ करके उसको टॉर्चर करते हैं और जिसके बाद मालूम चलता है कि वो लड़की एक जर्नलिस्ट है और उस लड़की ने मिनिस्टर के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स छापे हैं और मिनिस्टर के कहने पर ही उन गुंडों ने उस लड़की को किडनैप किया। लेकिन वो गुंडे उस लड़की को इतना टॉर्चर करते हैं कि वो उनके टॉर्चर को सहन नहीं कर पाती और वो मर जाती है। अब दोस्तों, आगे क्या क्या होगा ये सब आपको मूवी देखने से ही मालूम चलेगा। और ये मूवी ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। ये मूवी आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो कुछ दिनों पहले हमने इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना मत भूलिएगा। और इससे पहले यानी कल का जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी को कवर किया था, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।